क्वेश्चन है, आपके पास एक 40 केजी की बोट है, 40 केजी की बोट है, यहाँ पे एक मैन है। आपके ऑब्जेक्टिव बुक में ये मैन नहीं होगा, एक डॉग होगा बुक में बना हुआ है, वो थोड़ा चेंज कर देता है, तो ये ना करना कि मैन वाला क्वेश्चन करवाया, डॉग वाला तो करवाया नहीं, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर एक मैन है 10 केजी का और ये रेस्ट पे है, ये पानी है और ये किनारा है, ये किनारे से बोट यहाँ पर है। अब कोई चल नहीं रहा, सब रेस्ट पे है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहाँ होगा, या इस किनारे से कितनी दूर होगा एक्स एक्सिस में, वाई मत बताओ, कितनी दूर होगा एक्स एक्सिस में, तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर जो मैन है उसका सेंटर ऑफ मास मैन के अंदर है, इस बोट का सेंटर ऑफ मास बोट के अंदर है, और हमें दोनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैंने कहा कैसे निकलेगा, तो उसने कहा देखो सर ये जो मैन है इसकी दूरी इस किनारे से गिवन है कितनी, 20 मीटर। चेक करो, ये जो मैन है इसकी दूरी यहां से कितनी गिवन है, 20 मीटर। ये बोट है, बोट का सेंटर ऑफ मास ये रहा, बोट की दूरी यहां से पता नहीं, तो मैंने क्या मान ली, एक्स, सही है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दोनों की कहां निकलेगी, 40 इंटू एक्स m1 x1 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 40 प्लस 10, तो मेरे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई किसकी, सिस्टम की। कोई डाउट इसमें, यहां तक समझ में आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई सिस्टम की। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैन चल पड़ा, अभी चल नहीं रहा था, अब चल पड़ा, 8 मीटर आगे चल गया। अब टोटल डिस्टेंस इस कोने से इसका कितना था, 20 मीटर, 8 मीटर आगे आ गया तो कोने से कितनी दूरी रह गई, 12 मीटर। तो आपको बताना है कोने से कितनी दूरी इसकी रह गई, कितनी, 12 मीटर नहीं, क्योंकि जब मैन चलता है मोमेंटम कंजर्व होता है और बोट पीछे आ जाती है, अगर मैन आगे जाएगा बोट पीछे आ जाएगी। अब मैन की दूरी 12 मीटर से ज़्यादा आएगी, क्योंकि 12 मीटर तो तब थी जब वो चलता और बोट ना चलती, तो 8 मीटर आगे आने से दूरी 12 रह जाती, बोट उसको पीछे ले गई, तो आंसर 12 मीटर से ज़्यादा आएगा। कितना आएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्योंकि जब मैन चलता है बोट पीछे आती है, मोमेंटम कंजर्व होता है, m1 v1 m2 v2 ये क्वेश्चन लगती है, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था पहले बिना चले, चलने के बाद भी इट विल रिमेन सेम, वो नहीं हिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी है हमारे पास इनिशियल, फाइनल कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा सेम। हम मान लेते हैं ये बोट मैन अगर 8 मीटर आगे चला तो बोट एक्स डैश पीछे आ गई, मान लो तो बोट एक्स डैश पीछे आ गई, तो अब मुझे बताओ बोट पहले कितनी दूरी पर थी, एक्स, अब एक्स डैश और पीछे आ गई, तो बोट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एक्स प्लस एक्स डैश, राइट। मैन कितनी दूरी पे था, 20, 8 मीटर आगे आया कितना रह गया, 12, लेकिन बोट पीछे चली गई एक्स डैश, तो मैन भी पीछे चला गया एक्स डैश, तो 12 प्लस एक्स डैश, राइट। तो नया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोट का मास इंटू बोट का नया कोऑर्डिनेट एक्स प्लस एक्स डैश, मैन का मास, मैन 8 मीटर आगे आया पर एक्स डैश पीछे गया, तो मैन का कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। लेकिन मैंने क्या सिखाया, कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का दोनों में सेम, मतलब शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो तुम इसे इक्वेट कर लो, इनिशियल फाइनल इक्वेट करके सॉल्व करके एक्स निकाल लेना, तो बोट 1.6 मीटर पीछे गई है। तो क्वेश्चन है कि अब मैन की दूरी क्या रही होगी, तो मैन 20 मीटर पे था, 8 मीटर आगे गया तो 1.6, पीछे आया तो ये ऑप्शन मार्क करना है 13.6 मीटर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, तो कुछ नहीं करना, जब वो मूव नहीं कर रहे उनका कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, जब वो मूव कर बैठे तो उनका नया कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, पर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, उन्हें इक्वेट कर लेना है, इक्वेट करके अपने पास आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शीट में आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अगले टाइप की प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, अगले टाइप की प्रॉब्लम में ये कुछ ब्लॉक्स हैं, 25 सेंटीमीटर लंबा ब्लॉक है, ये भी आपके असाइनमेंट में आएगा आने वाले टाइम में, तो आप प्लीज़ अपने आप खुद सॉल्व करना, मैं कोई हिंट देता जा रहा हूँ। तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मुझे एक और ब्लॉक को रखना है, कैसे रखना है, 25 सेंटीमीटर के सारे ब्लॉक है, मुझे 8 सेंटीमीटर बाहर करके रखना है। अब एक और ब्लॉक है,
उसको मुझे 8 सेंटीमीटर और आगे करके रखना है, एक और ब्लॉक है 8 सेंटीमीटर और आगे रखना है। ऐसा अगर मैं करता जाऊं तो कितने ब्लॉक्स मैं ऐसा रख सकता हूं बताओ, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं जब तक कि गिर ना जाए। अब गिरने का प्रिंसिपल क्या होता है, गिरने का ये प्रिंसिपल है कि अगर ये ब्लॉक है इसके ऊपर है और मान लो ये 25 सेंटीमीटर लंबा है, तो जब तक ये 12.5 सेंटीमीटर तक है तब तक इसे गिरेगा नहीं, क्योंकि सेंटर मास के सेंटर पे है। जैसे ही 12.5 का 12.6 भी हो गया नीचे गिर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब एक प्लैंक 12.5 सेंटीमीटर से कम कम रहेगा तो बच जाएगा। तो अब इमेजिन करो आपके पास अगर सिर्फ दो ब्लॉक्स होते, जैसे एक ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक है, तो दूसरा ब्लॉक 12.5 सेंटीमीटर आगे जा सकता था, पर यहाँ पर तो एक और भी ब्लॉक है। अब ये ज़मीन है, ग्राउंड है, इसने तो गिरना नहीं, इसके ऊपर ही सब इसके ऊपर टिके हुए हैं, तो इनको बता दिया गया कि तुम्हारा मिला के सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा मिला के वो 12.5 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कहा सर तीन ब्लॉक्स हैं, मैंने कहा तीनों चाहे 300 ब्लॉक्स का सेंटर ऑफ मास 12.5 एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा सिस्टम नीचे गिर जाएगा। तो समझ में आ रहा है लॉजिक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो लॉजिक है, एक तो नॉन मेडिकल के लिए, सिर्फ मेडिकल वाले को अगर एपी आती है जीपी आती है तो ठीक है, आती है एपी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मेथड टू करेंगे। मेथड टू सारे वैसे मेथड टू ही करेंगे, बट फिर भी मेथड वन करना ठीक ही रहेगा। पहला ब्लॉक को मैंने नीचे रख लिया, पहले ब्लॉक को तो जहां मर्जी रख लो उसने तो गिरना ही नहीं, वो तो पहले नीचे गिरा हुआ है, वो तो और नीचे गिर भी नहीं सकता। तो मान लो इसका सेंटर जो है उसका शिफ्ट हमने किया नहीं, तो डेल्टा एक्स वन क्या है, जीरो, मतलब उसको शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पर लेकिन जो सेकेंड ब्लॉक है वो 8 सेंटीमीटर बाहर चला गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास 8 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो डेल्टा एक्स टू कितना है, 8, तो सेंटर से शिफ्ट हो गया। थर्ड ब्लॉक का शिफ्टिंग कितना है, 8+8=16, नेक्स्ट का क्या है, 8+8+8=24, एंड सो ऑन। तो आप तो कितने भी प्लैंक्स रखते जाएंगे, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, इन सब का सेंटर ऑफ मास जो आएगा शिफ्टिंग, तुम कितने भी शिफ्टिंग करते जाओ इन सब का सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट आएगा वो 12.5 से कम होना चाहिए। तो मैंने डेल्टा एक्स वन को क्या पुट कर दिया, 0, डेल्टा एक्स टू को 8, 16, 24, एन टर्म्स तक है, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, बाय एन लेस देन 12.5। मैथ्स वालों को पता है कि एपी बन चुकी है, एपी का सम लगा लें एन तक, सॉल्व करें एन के लिए, सॉल्व करें आंसर आएगा, तो आंसर एन लेस देन 4.1 आएगा, तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स 4 ही इसमें टिक सकते हैं, आंसर है। पर मैं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा एक लाइन में कर देता हूँ। कैसे, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, पहला प्लैंक जो रखा उसका शिफ्ट तो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 है, बातें खत्म हो गई। दूसरा 8 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, तो मैंने रफ में कैलकुलेशन करनी है, 0 पहले मैंने लेना है, दो प्लैंक्स का मतलब है मैं 0 और 8 लूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा, m इंटू 0 प्लस m इंटू 8 बाई m प्लस m, ये 12.5 से कम आएगा, यानी कि दो प्लैंक टिक जाएंगे। फिर मैं अगली कैलकुलेशन करूंगा, 0 प्लस 8 प्लस 16 बाई 3, ये भी 12.5 से कम आएगा, चेक कर लेना। तो तीन प्लैंक्स तो हो गया डन। नेक्स्ट 0 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 24/4, ये क्या हुआ है, कितना आ रहा है, 12। अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 4 प्लैंक्स टिक सकते हैं। जब मैं पांचवा लूंगा तो आंसर 12.5 से ज़्यादा आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स 4 है, बात ही खत्म है। तो मैं तो ऐसे टेस्टिंग कर लेता हूँ, एक 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 लगा के, जहाँ टिक गया ठीक है। पर लेकिन एक स्टूडेंट बोला कि अगर मान लो ऐसे 300 प्लैंक्स होते तो फिर तो एपी ठीक थी। हाँ, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, अगर नंबर मैं कितने हिट एंड ट्रायल मार लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने 6-7 ही मार लूँगा, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी नहीं है, 2-4 में खत्म हो जाते हैं। पर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये इसका आंसर है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आता होता है। इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 37। अगर ये प्रोजेक्टाइल ना फटता तो सेंटर ऑफ मास सीधा यहाँ लैंड करता, पर अगर फट भी गया तो भी इसने यहीं लैंड करना है। अब वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास तो फट, बॉम्ब तो फट गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉम्ब के टुकड़े हो गए और दो पीस निकल गए 1:3। अब 1:3 का मतलब है एम और 3m मासेस निकल गए। जो m मास है देखो वो तो सीधा नीचे गिर गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m ड्रॉप हो गया, छोटा पार्टिकल ड्रॉप का मतलब सीधा नीचे गिर गया। तो जो 3m का पार्टिकल है वो जमीन पे कितनी दूर जाके गिरा होगा, ये क्वेश्चन है, मुझे पहले ये बताओ।
3m का पार्टिकल जो निकलेगा क्या वो यहां गिर सकता है, हाँ या ना? नो सर, नहीं. क्या वो यहां गिर सकता है? नो सर, क्या वो यहां गिर सकता है? नहीं. नहीं सर, यही गिरना पड़ेगा. ये बात सबको समझ में आई? क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करना पड़ेगा. सेंटर ऑफ मास हर हालत में यही होना चाहिए. अब अगर एक टुकड़ा यहां गिरा m, तो दूसरे को तो हर हालत में आगे ही गिरना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं रहे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो पार्टिकल तो पीछे गिर गए, सेंटर ऑफ मास यहां पे गिर गया. ये थोड़ी ना रूल है. अगर सेंटर ऑफ मास यहां गिर रहा है तो दो टुकड़े इसके आसपास ही गिरे होंगे ताकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर में कहीं रहे. तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दूसरा टुकड़ा इस सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट कभी नहीं गिरेगा, वो हमेशा राइट ही गिरेगा. क्लियर है यहां तक? मान लो कितने डिस्टेंस पे गिरा? एक्स पे गिरा. पर सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे गिरा था? आर पे गिरा था. ये क्वेश्चन एक्स एक्सिस में चलाते हैं क्योंकि आपको एक्स का डिस्टेंस निकालना है. तो एक काम करते हैं, पहले रेंज निकालते हैं आर के. रेंज सबको निकालनी आती है. वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. वी पता है, थीटा पता है, जी पता है. साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा. साइन 37 कॉस 37 की वैल्यूज हमने की थी, पुट करके रेंज आ गई 960. तो सेंटर ऑफ मास तो गारंटेड 960 मीटर दूर ही जाके गिरेगा. अब एक काम करते हैं, दो टुकड़े हुए m और 3m, सेंटर ऑफ मास 960 पे गिरा, पता लग चुका है हमें x एक्सिस. तो पहला पार्टिकल m कहाँ गिरा? रेंज के मिड पॉइंट पे. हाईएस्ट पॉइंट का मिड पॉइंट r बाई टू होता है. तो अगर ये 960 है तो आधा क्या होगा? 480. तो ये क्या आ गया? 480. पहला पार्टिकल ड्रॉप हो गया मिड पॉइंट से 480 पे. 3m का पार्टिकल x दूर जाके गिरा, जो मुझे निकालना है अपॉन टोटल मास. सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई आंसर. क्या जबरदस्त क्वेश्चन है. सेंटर ऑफ मास से ये बता दिया दूसरा टुकड़ा कहाँ गिरेगा, और जो कि आपका काइनेमेटिक्स नहीं निकाल पा रहा था. मोमेंटम कंजर्वेशन वेलोसिटी तो निकाल देती हैं, फिर काइनेमेटिक्स लगा लगा के सॉल्व करते बैठ के, वो बहुत मुश्किल है. प्रोजेक्टर का क्वेश्चन बन जाता है दूसरा, और बिना प्रोजेक्टर के कर दिया. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि रूल कितना इंपॉर्टेंट है? तो जो कंजर्वेशन मोमेंटम की प्रॉपर्टी की थी कि सेंटर ऑफ मास वहीं जाके गिरेगा, वो कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है यहाँ तक? जैसे आपके पास एक क्यूबिकल आइस है, बर्फ है, और एक ट्रे है. एक आइस है, एक ट्रे है. ये एक ट्रे है और ये आइस का क्यूब है, तो एल डिस्टेंस का क्यूब है. और अब ये पिघलानी है, ऐसे ही पड़ा हुआ है. फिर आइस पिघल गई, पानी बन गई. ट्रे तो नहीं पिघली, ट्रे के ऊपर पानी गिर गया. पानी फैल गया ट्रे के ऊपर और इसकी ज़मीन पे पानी फैल गया. सेंटर ऑफ मास जो इन दोनों का था, इसके पिघलने से, इसकी हाइट गिरने से थोड़ा नीचे गिर गया सिस्टम का सेंटर ऑफ मास. कितना नीचे गिरा ये क्वेश्चन है. मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ. जैसे ये आपके सामने एक आइस है, ये ट्रे है. पहले क्या था इनका सेंटर ऑफ मास क्या था, पहले चलो ये निकालते हैं. ट्रे का सेंटर ऑफ मास, ट्रे का मास कैपिटल एम क्वेश्चन में गिवन है और आइस का स्मॉल एम गिवन है. ट्रे का सेंटर ऑफ मास ट्रे के सेंटर में है, देख रहे हो. आइस का सेंटर ऑफ मास आइस के सेंटर पे है, देख रहे हो. मान लो ये रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ग्राउंड ओरिजिन है. ग्राउंड से ट्रे के सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है? एक्स वन. और ग्राउंड से आइस के सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है? एक्स टू. तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? कैपिटल एम इंटू एक्स वन, स्मॉल एम इंटू एक्स टू, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय एम वन प्लस एम टू. कोई डाउट इसमें? अभी बर्फ पिघली नहीं है तो ये केस है. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो आइस पिघल गई. आइस पिघल के जो पानी है वो बिल्कुल हाइट अटेन नहीं करेगा. इमेजिन किया मैंने, ट्रे के साथ साथ है, ये रहा ट्रे के साथ साथ पानी है, ये रहा पानी. हाइट नहीं लेना इसका, हाइट नहीं लेनी. तो अब ट्रे को तो कोई फर्क ना पड़ा, ट्रे तो अभी भी एक्स वन पे ही है. लेकिन जो पानी का सेंटर ऑफ मास है वो पानी के कहाँ आएगा? अंदर आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ट्रे के बिल्कुल सरफेस के ऊपर आएगा. अब ये डिस्टेंस क्या होगा? पहले ये डिस्टेंस सेंटर का क्या था ग्राउंड से? एक्स बाई टू.
और ये डिस्टेंस कितना था, एल का आधा कितना, एल बाई टू। तो जब ये नीचे गिर गया तो अब नया कोऑर्डिनेट ये कितना बन गया, एक्स टू माइनस एल बाई टू, क्योंकि एल बाई टू नीचे गिर गया, आइस मेल्ट हो गई, पानी तक कन्वर्ट हो गई, तो एल बाई टू सेंटर ऑफ मास आइस का नीचे आ गया। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, पीछे क्लियर है यहाँ तक? तो पहले क्या केस था, पहले सेंटर ऑफ मास आइस का यहाँ पर था एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स टू था, अब ये डिस्टेंस जो है वो एल का आधा एल बाई टू है, तो ये कितना हो गया, एक्स बाई टू माइनस एल बाई टू, नया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। तो अब चेक करूँ मैं क्या करूँगा, जब आइस मेल्ट नहीं हुई थी तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी, उन्होंने निकाल ली थी। आइस अगर मेल्ट हो गई तो आइस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो गया, एक्स टू माइनस एल बाई टू पे, और ट्रे को तो कोई फर्क ना पड़ा, सेम है अपॉन एम प्लस एम। तो ये पहले का सेंटर ऑफ मास है, अब ये नया सेंटर ऑफ मास है, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है सिस्टम का, इसमें से इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सिंप्लीफाई कर लेना ऑब्जेक्टिव में, ये आंसर मिलेगा आपकी शीट के अंदर, ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको क्वेश्चन। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है यहां तक? सारा तो गेम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, आप कोऑर्डिनेट क्या सही लेते हो गलत लेते हो, राइट? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये मैंने आपको लिखवा दिया था लास्ट टाइम, एम वन इंटू डी एम टू इंटू डी डैश वाला सेम है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एक वेज है 10 m, 10 m मास का एक ट्रायंगल है, और एक और मास है m। ये वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा स्लाइड लेता है, बच्चा तो तेजी से नीचे आता है और स्लाइड पीछे चली जाती है, वही तो हो रहा है। तो ये स्लाइड लेगा और ये देखो ये मास इधर आ जाएगा 10 m। तो इसमें जो ब्लॉक है वो नीचे उतर आया, 10 m राइट पे चला गया, और ये डिस्टेंस 2.2 है, फ्रिक्शन नहीं है। आपको ये बताना है कि 10 m जब ये नीचे उतरा, 10 m राइट की तरफ गया, कितना डिस्टेंस राइट गया, ये क्वेश्चन है। राइट चला गया, कितना क्वेश्चन, कितना डिस्टेंस राइट गया, ये क्वेश्चन है, ठीक? पहले इसको जरा ऐसा समझाते हैं, पहले ये पिंक कलर का डायग्राम था, अगर ये ना मूव करता तो एम ने यहां उतरना था, सिंपल है, एम ने नीचे उतर जाना था, पर क्योंकि ये मूव किया तो ये 10 m राइट चला गया डॉटेड लाइन, और एम यहां की बजाय यहां उतरता दिखेगा आपको, देख रहे हो? अब एम यहां थोड़ा उतरेगा, अब एम यहां रुकेगा क्योंकि वेज थोड़ा राइट चला गया। डायग्राम समझ में आ रहा है? ये पुराना डायग्राम है, अगर ये ना मूव करता, या नया डायग्राम जब ये मूव कर गया। एक बात पक्की है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है, क्यों? एक ब्लॉक के मूव करने से दूसरा ब्लॉक चल रहा है, जैसे गोली के चलने से गन पीछे जाती है, वैसे ही तो हो रहा है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। तो जब ये ब्लॉक नीचे नहीं उतरा था, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां पर था वो वहीं पे रहेगा, और स्पेशली एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट नहीं, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब ब्लॉक नीचे उतर आएगा, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट नीचे उतर आएगा, पर एक्स नहीं चेंज होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व है, एक्स एक्सिस में जो मोमेंटम जनरेट होगा लेफ्ट की तरफ, वो राइट की तरफ ही बराबर है, तो लेफ्ट और राइट में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, राइट? तो एक शॉर्टकट है फिर हमारे पास, अगर मान लो ये वो सेंटर ऑफ मास है, हम एक्स एक्सिस में देखेंगे वाई में नहीं देखेंगे, तो मान लो ये वो सेंटर ऑफ मास है जो चेंज नहीं हो रहा, वो पहले भी वहीं पर है, अब भी वहीं पर है, तो मुझे पता है ये लेंथ कितनी थी, 2.2 थी, तो ये लेंथ 2.2 है, तो अगर मान लो ये 10 m मास x इधर चला गया, तो ये मास m कितना डिस्टेंस नीचे उतरेगा, 2.2 माइनस x, ऐसे डायग्राम बनेगा। लेकिन ये पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, और हमने एक क्वेश्चन किया था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर m1 पार्टिकल और इधर से m2 पार्टिकल और वो मूव भी करते हैं, तो m1 into x1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2 into x2। तो ये देखो, जो m पार्टिकल है उसकी दूरी यहां से कितनी रहेगी, पहले 2.2 थी, अब कितनी रहेगी, 2.2 माइनस एक्स, और जो 10 m है जिसका कोना यहां पर था, अब वो कहां पर आ गया, x। तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 x आ गया। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, ये फॉर्मूला लगा लो सिस्टम के लिए, सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे, अब भी रेस्ट पे है, m1 की जगह एक मास m, m2 की जगह 10 m, इसका कोऑर्डिनेट पता है आंसर, तो भी सही है। तो मतलब जब ये सिस्टम चलेगा तो m1 x1 m2 x2 से सीधा आंसर आ जाएगा, ये शॉर्टकट है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझना मुश्किल है।
हमने लिया ये ब्लॉक, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, इसको यहाँ उतरना था 2.2 पे, पर ये शिफ्ट होने की वजह से अब वो 2.2 माइनस एक्स पे उतरेगा, क्योंकि वेज इधर चला गया तो ये एक्स इधर चला गया, ऐसे एक्स एक्सिस का चेंज नहीं होगा, वाई का तो हो ही रहा है क्योंकि ब्लॉक नीचे आ गया ना, वो तो चेंज होना ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेज वाले नहीं आते वैसे बता दूं, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये 1 kg का ब्लॉक है 2 m/s से मूव कर रहा है, 2 kg का ब्लॉक है वो 2 m/s से 30° पे मूव कर रहा है, आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो आपने, और वेक्टर फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, पहले 2 m/s का कॉम्पोनेंट बनाना है, 2 cos 30, 2 sin 30, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा, 2 cos 30 आई कैप, 2 sin 30 माइनस जे कैप, और इसका तो पता ही है 2 i कैप है। अब m1 m2 पता है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर पता है, फिर लगा लेना फॉर्मूला m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 + m2 इज द आंसर, आंसर आ जाएगा डन। ठीक है यहाँ तक तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, और आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि PYQ के अंदर मिलेगा, बहुत लोग उसे डाउट लेके आते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको अभी के अभी से सॉल्व भी कर दूँ ताकि डाउट ही नहीं आएगा, थोड़ा पीछे डल गया मुझसे, रोटेशनल मोशन के बाद डल गया। रोटेशनल तो काफ़ी बड़ा है, मतलब आपको पता लग ही रहा होगा स्क्रीन से। ओके देखो बुकलेट में है, आप यहीं से देख लो 2 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत डाउट लेके आते हैं नॉन मेडिकल में, मतलब मुश्किल क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन डाला हुआ था, कैलकुलेशन वाइज मुश्किल है, कॉन्सेप्ट वाइज मुश्किल नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि एक वायर है, यहाँ देख लो कोई बात नहीं मिल जाएगा, ये एक वायर है ABC, लंबी वायर है, टेढ़ी कर रखी है। ABC 60° पे है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कह रहे हैं जो इसका सेंटर ऑफ मास है AB और BC वायर का, वो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं लाई करता है, बोल दिया उसने इस लाइन पे लाई करता है। अगर इतनी सी बात पता है तो कह रहे हैं फिर रेशियो निकालो AB और BC की रेशियो क्या होगी, या BC/AC लेंथ की रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। बस ये पता है आपको, कुछ नहीं पता, बहुत मिनिमम इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आगे सॉल्यूशन देखो, सेंटर ऑफ मास निकलता कैसे है, आप इसमें 2 बॉडीज ले लें, ये पहली बॉडी है ये दूसरी बॉडी है, मुझे AB लिखने में प्रॉब्लम है तो मैंने P लिख लिया, इसकी लेंथ P है, और मेरे को BC लिखने में बार बार प्रॉब्लम है तो मैंने इसमें Q लिख लिया, तो Q लेंथ है, P लेंथ है, और मेरे को रेशियो निकालनी है P:Q या Q:P की। तो इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे। इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे। दोनों वायर के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे। सही, मैं अपना क्वेश्चन एक्स कोऑर्डिनेट में करूंगा, तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट में सिर्फ करना चाहता हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा इतना डिस्टेंस पे, क्योंकि ना ये डिस्टेंस या ये एक ही बात है, वाई चेंज हो सकता है, एक्स थोड़ा चेंज होगा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो यहां से सेम ही रहेगा। तो अगर ये लेंथ पी है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा, P cos 60, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का पता लग गया जो इस लाइन पे लाई करेगा, जिसकी एक्स की दूरी कितनी है, P cos 60, सेंटर ऑफ मास। अच्छा ये बताओ कि ये इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इसके सेंटर पे। तो इसके सेंटर पे, तो इसका सेंटर कितना हुआ, ये रहा P/2, ये जो लेंथ है वो क्या आएगी, P/2, पर हम अपना क्वेश्चन एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा, P/2 cos 60, एक्स कोऑर्डिनेट ओनली, P/2 तो टेढ़ा है, P/2 cos 60, और
इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, क्यू बाय टू पे आएगा। मान लेते हैं लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसका मास क्या आएगा, पी इंटू लैम्डा, इसका मास क्या आएगा, क्यू इंटू लैम्डा। तो ये देखो पी कॉस 60 सेंटर ऑफ मास है, एक्स एक्सिस पे लगा रहे हैं पी कॉस 60, वायर इसका मास कितना है लैम्डा क्यू, और सेंटर ऑफ मास कहाँ, क्यू बाई टू। इस वायर की का मास है लैम्डा पी, और सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पी बाई टू कॉस 60, पी बाई टू कॉस 60 अपॉन दोनों मासेस, लैम्डा 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 कैंसिल। अब तुम्हारी मैथ्स के स्किल स्टार्ट हो गए, ये इक्वेशन में फंस गए, ये इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी, क्यू बाई पी में क्वाड्रेटिक बनेगी और क्यू बाई पी के रूट्स निकलेंगे। भाई मुश्किल है, बता रहा हूँ आपको, ये लग रहा है आपको जब पेपर में आया होगा, तो बता रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर कॉन्सेप्ट लगाने के बाद ऐसी कैलकुलेशन भी करो, ये आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको।